रोहिणी प्रिया प्रभु। श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु ने अपना MBBS बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे से पूर्ण किया। 90 के दशक की शुरुआत में ही वह इस्कॉन के संपर्क में आए और परिणाम स्वरूप एक पूर्णकालीन ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन पुणे मंदिर 1992 में शामिल हो गए। उन्होंने 1995 में उन्हें इस्कॉन चौपाटी मुंबई में सेवा प्राप्त हुई। उन्होंने कई वर्षों तक इस्कॉन चौपाटी मंदिर में इस्कॉन यूथ फोरम IYF के निर्देशक डायरेक्टर के रूप में भी सेवा की। फिर उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में मंदिर प्रबंधन समिति यानी कि टेंपल मैनेजमेंट कमेटी TMC के सदस्य के रूप में सेवा की। उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में आध्यात्मिक दृष्टि समिति यानी कमेटी फॉर स्पिरिचुअल विजन CSV के सदस्य के रूप में भी सेवा की। 1996 से उन्होंने मुंबई में अपनी सेवाओं के अलावा औरंगाबाद महाराष्ट्र की यात्रा शुरू की। वर्तमान में इस्कॉन औरंगाबाद के महाप्रबंधक यानी कि जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। उनके मार्गदर्शन से ही आज औरंगाबाद में एक भव्य दिव्य मंदिर निर्माणाधीन है। वह अपने व्यवहारिक मंत्र मुग्ध कर देने वाले शास्त्रों के प्रवचनों से लोगों के जीवन को कृष्ण भावनामृत के आनंद से भर देते हैं। वह कई लोगों को परामर्श और मार्गदर्शन भी करते हैं। वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश के वितरण के लिए नियमित रूप से उत्तरी अमेरिका का दौरा करते हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। वो पूरे भारत में हजारों इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों और अन्य पेशेवरों को भगवद गीता के संदेश को सक्रिय रूप से वितरित करते हैं। वो दुनिया भर में कई पेशेवरों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को बहुत ही आकर्षक वाक पट्टू और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हम स्वागत करते हैं श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी का। तो प्रभु जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा दंडोत्तम प्रभु जी। आज थोड़ा लेट हो गया। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। कारण था लेट होने का? नहीं प्रभु जी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो जो भी भक्त यहाँ प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए, और ताकि आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का। और जो भक्त जिनके माइक ऑन है प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए, ताकि बाकी जो बैकग्राउंड नॉइज है वो नहीं आए। तो सस्मिता लंका माता जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेस किया है। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए। प्रभु जी आप प्लीज मुझे होस्ट करेंगे क्या प्लीज? थैंक यू आर होस्ट। नहीं प्रभु जी, भक्ति राव ठाकुर प्रभु जी को किया आपने। ओके, यस सुष्मिता माता जी आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं हमेशा क्लास में सुनती हूँ जो नवदा भक्ति रहता है ना, वो कौन कौन करते हैं और कितने टाइप के हैं? नवदा भक्ति ये नौ प्रकार के हैं। नवधा, नौ विधा मतलब नौ, नव कहते हैं उसे, नौ विधा। तो उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, फिर दास्य पाद सेवनम, साख्यम, प्रात्म निवेदनम, ऐसे नौ प्रकार हो गए। और क्योंकि ये नौ प्रकार के भक्ति प्राचीन काल में भी की गई होगी, इसलिए हमारे गौड़ीय सिद्धांत में हर एक के लिए एक एक
प्रमुख भक्त का नाम दिया गया है जिन्होंने उस विधि का पालन करते हुए उसे अपने जीवन में उतारा है या उससे सिद्धि प्राप्त की है। जैसे श्रवण के लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया जाता है और कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी का नाम दिया जाता है, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज का नाम दिया जाता है और अर्चन के लिए अक्रूर जी का नाम लिया जाता है और पाद सेवन के लिए लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया जाता है और नहीं अर्चन के लिए क्षमा कीजिएगा पृथ्वी महाराज का नाम दिया जाता है अर्चना के लिए और वंदन के लिए अक्रूर जी का नाम लिया जाता है। साख्यम में अर्जुन जी आते हैं, दास्यम में हनुमान जी आते हैं और आत्मनिवेदन में अम्बरीश महाराज आ जाते हैं, बलि महाराज आ जाते हैं आत्मनिवेदन में। तो ये जो है नौ उदाहरण दिए गए हैं, शायद नौ पूरे हो गए, हमने नौ के नौ बता दिए हैं। किसी ने गिनती की? फिर से कहते हैं, श्रवण, परीक्षित महाराज, कीर्तन सुखदेव जी गोस्वामी, स्मरण प्रहलाद महाराज, फिर अर्चन ऋतु महाराज, वंदन अक्रूर जी महाराज, फिर पाद सेवन लक्ष्मी जी, दास्य हनुमान जी, साख्य अर्जुन जी और आत्मनिवेदन बलि महाराज। इस बार किसी ने गिनती की? नौ हो गए। यस प्रभुजी, हाँ, नौधा भक्ति और इसके जो उदाहरण दिए गए हमें, जिन्हें कभी कभी कहा जाता है कि ये प्रत्येक विधि के जो है आचार्य भी हैं, वो ये नौ उदाहरण है। ठीक है जी। सुष्मिता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। अर्चना प्रेसी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम साधना भक्ति में लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान से हमारा संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं, साधना से हो, सेवा से हो, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। तो इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि हम कैसे समझे कि हमारा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हो रहा है और कैसे। साधना भक्ति के माध्यम से हम प्रयास यह करते हैं कि नियमित रूप से कुछ क्रियाएं या कुछ नियमित रूप से मनन करें, ध्यान करें, जिससे कि अन्य विषय वस्तु से हमारा मन हटे और जिन चीजों पर हम ध्यान करना चाहते हैं साधना के माध्यम से, उस पर ध्यान करें। तो इससे होता यह है कि मन स्थिर होता है। अब मन जब स्थिर हो जाता है तो जो आत्मचिंतन का विषय है उस पर व्यक्ति ध्यान कर सकता है। जब तक मन स्थिर ना हो तब तक आत्म विषय के चिंतन पर, आत्म विषय के संदर्भ में व्यक्ति चिंतन नहीं कर पाता। तो साधना भक्ति का उद्देश्य यही होता है कि मन स्थिर होकर के आप आत्मचिंतन कर लो। तो अगर आपका आत्मचिंतन हो रहा है जब आप साधना की क्रियाएं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह निकला कि आप साधना भक्ति में अब अग्रसर हो रहे हैं या साधना भक्ति में आप जो है उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। तत्पश्चात आत्मचिंतन जब होता है तो उसके बाद पता चलता है कि हम जो हैं शरीर से भिन्न आत्मा हैं, अजर अमर हैं और अंश रूप में हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, उसके पूर्व ये साक्षात्कार होने के पूर्व
हाँ, तो यह साक्षात्कार होने के पूर्व बौद्धिक रूप से बुद्धि से हम इसके इसको स्वीकारते हुए अपनी साधना करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा प्रश्न माता जी। अच्छा, दूसरा भी उनका ये था कि इसका समय कितना लगेगा। बहुत समय लग जाता है, तो वो हम पर निर्भर करता है ना कि हम कितने प्रामाणिकता से और या कितने प्रबलता से जो है प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारी इच्छा प्रबल होगी उतना ही शायद अवधि काल जो है, समय जो है कम हो जाएगा, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे हम साधना भक्ति में लग जाते हैं तो हमें हम कई भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो उसमें से कुछ बहुत प्रगत भक्त होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, मन प्रसन्न होता है और साथ ही साथ भक्ति और साधना करने के लिए उत्साह प्राप्त होता है। तो ऐसे भक्तों से हम हमारा संबंध कैसे मेंटेन करें? या ये जो तथ्य है ना कि कुछ भक्त हमको बहुत प्रगत भक्त मिलते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे पास उतनी क्षमता है। देखिए, अगर सोचिए गणित का कोई प्रश्न है, वो हमको सुलझाना है, कोई बहुत अच्छे से उसको सुलझा देता है, लेकिन हमें वो गणित ही नहीं पता है कि वो कैसे, समझ में ही नहीं आती है वो बात। उदाहरण के लिए देते हैं कि एक बच्चे को जोड़ना आता है लेकिन घटाना नहीं आता, तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसको उतनी समझ होती है कि घटाने की प्रक्रिया क्या है, तो समझाने का प्रयास करेगा, लेकिन बच्चे को अगर घटाने की आपका प्रक्रिया ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे वो बच्चा ये सोच लेगा कि अरे ये व्यक्ति जो है ज़्यादा प्रगत है। अगर घटाने की प्रक्रिया पता है तो उसमें, अगर आप सोचिए किसी को घटाने की प्रक्रिया पता चल गई, बच्चे को समझ में आएगा कि घटाना कैसे, तो 3 में से 2 घटाना या 8 में से 5 घटाना तो कर लेता है, क्योंकि उंगलियों पर गिन लेता है। लेकिन वही अगर उसको 2 खरब में से 1,000, 1,50,00,000 ऐसे कुछ घटाना है तो उसको समस्या हो सकती है, क्योंकि क्रमांक बहुत ज्यादा है ना। तो जिसको वो प्रक्रिया पता है उससे समझ में आता है कि, या जिसको जो जानता है कि वो कैसे किया जाता है छोटे छोटे स्तर पर, छोटे छोटे क्रमांकों से, तब उसे समझ में आता है कि कोई अगर बड़े क्रमांकों से घटाना शुरू कर दे तो उसे उसके पास ज़्यादा ज़्यादा क्षमता है। तो जब कोई कहता है कि हमको बहुत सारे भक्त मिलते हैं, कोई ज़्यादा प्रगत होता है, तो हमें कैसे पता चला कि वो ज़्यादा प्रगत होता है, उसका मापदंड क्या है हमारे पास? हाँ, आप इतना कह सकते हो कि कुछ लोगों से आप मिलते हो तो आपको स्फूर्ति प्राप्त होती है, तो स्फूर्ति तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, भगवान की प्रेरणा जो है कहीं से भी उत्स्फूर्त हो सकता है ना। जैसे कि अगर आप कहीं पर, जैसे गिरिराज जी जो हैं पर्वत स्वरूप में, लेकिन उनसे भी स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, हम गिरिराज जी को भक्त भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, यह हमारी समझ है, ये हमें इस तत्व को हमने स्वीकारा हुआ है। किंतु गिरिराज जी को तो हम पर्वत रूप में ही देखते हैं ना, थोड़ी हम देख पाते हैं कि भक्त रूप में वो सेवा कैसे कर रहे हैं, या नहीं हमें समझ में आता, खाली हम अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है। तो गिरिराज जी जो है पर्वत रूप में, वैसे ही शास्त्र में समझाया गया कि जो पीपल का वृक्ष है इसमें साक्षात भगवान नारायण वास करते हैं, तो जो पीपल का वृक्ष है उससे भी स्फूर्ति मिल सकती है। क्या पीपल के वृक्ष को हम श्रेष्ठ भक्त के रूप में देखते हैं? पता नहीं, ये तो आप जो है स्वयं निर्णय लगा लीजिए। तो कौन किस व्यक्ति को हम प्रगत मानते हैं, इसका मापदंड क्या है, पहले उस पर विचार करना पड़ेगा। अगर आपको किसी से स्फूर्ति मिल रही है तो अच्छी बात है, उससे प्रेरित हो जाइए, अपनी साधना अच्छे से कीजिए, साधना पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए कि कौन कितना प्रगत है या नहीं। जिससे भी स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, यस प्रभु जी।
जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न शोभा कुंठे माता जी का है। माता जी आप माइक ऑन करके प्लीज प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न भौतिक दृष्टिकोण से है। हरे कृष्ण, मेरा प्रश्न जो है तो भौतिक दृष्टिकोण से है। मेरा जो लड़का है तो अलग रहता है बाहर, तो कुछ भी उसको परेशानी आई अगर तो मम्मी पापा को बुला के मुझे 1,00,000 रुपए दो, ये मेरा ऐसा, तो मोहवश तो उनके पापा तो देने को तैयार हो रहे हैं, वो हमें बेवकूफ बना रहा, हम ऐसा बाद में समझ में आ रहा, तो उसकी हमने मदद करना या नहीं करना, या वो उसका कर्तव्य कब वो जान पाएगा। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य स्वयं ही जानना पड़ेगा, दूसरा जो है खाली उसको थोड़ा बहुत उसे या तो मार्गदर्शन कर सकता है या उसको प्रेरित कर सकता है। मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करके अगर व्यक्ति जो है या स्वयं से या दूसरों के माध्यम से व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर्तव्य पालन कर रहा है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को नुकसान पहुंचेगा। अब आपने अपना ही संदर्भ दिया हुआ है तो आपको भी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि आपका अगर नुकसान हो रहा है किसी भी कारण से और वो आपको स्वीकारनीय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नुकसान नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि अपने किसी को जो है मदद कर दी, दान कर दिया और आप उसको भूल गए क्योंकि आप वैसा करना चाहते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं, इसकी पूरी छूट आपके पास है, या आपके पास जो है ना वो आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो अन्य किसी व्यक्ति से अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो उतना ही मार्गदर्शन दे पाएगा जितना कि आप जो है अपने जीवन में लागू कर पाओगे। तो आपने क्या करना है ये आप विचार कर लीजिए। अगर आपने किसी को दान करके उसके बाद भूल जाना है तो अच्छी बात है, दान करके आप भूल जाइए, उससे वह व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंच रहा है तो कोई ना कोई आपसे कभी ना कभी पूछेगा कि आपने इसका ध्यान क्यों नहीं दिया कि आप जो दान कर रहे हैं उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन वो इस पर निर्भर करता है कि कितना आपने दान दिया है, कैसे दान दिया, तो बहुत वो थोड़ा डिटेल वाली बात है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सोच समझ कर ही दान देना है या दान इस प्रकार से देना है कि उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर आपको उस व्यवहार में ध्यान देना पड़ेगा। तो आप हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेना है कि वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। और यह भी बात जो है हमें माननी चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति जो है ना वैदिक संस्कृति, उसमें कहा गया है कि हमारे विचारों के और हमारे कर्मों के फल जो है कर्म फल के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये बस स्वीकारने वाली बात है कि ऐसा होता है, कार्य तो हमने करना ही है, विचार तो हम करते ही हैं, तो उसका फल तो जो है निर्माण होगा ही, कर्म फल निर्माण होगा। तो कर्मफल किसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास तो जाएगा नहीं, हमारे पास ही आएगा ना क्योंकि हमारा कर्मफल है। तो कर्म अगर करेंगे तो कर्मफल आएगा ही। तो व्यवहार की जहां पर बात है, अपने सतबुद्धि से आप निर्णय लगाइए कि आपने क्या व्यवहार करना है। मार्गदर्शन चाहिए उसमें तो आप मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए, अंत में निर्णय आपका होगा। मार्गदर्शक का इसमें कोई भी ना तो फायदा है ना ही उसका लोभ होना चाहिए। मार्गदर्शन का अर्थ ही ये होता है कि खाली आप दिखा देते हैं या समझा देते हैं, उससे ज़्यादा आप कोई क्रिया नहीं करते। तो किसी भी मार्गदर्शक का जब इतना ही आपके जीवन में योगदान होता है, अब उस मार्गदर्शन के अनुसार आपने व्यवहार करना है या कर पाते कि नहीं कर पाते हैं और फिर व्यवहार करने के पश्चात कर्मफल क्या होगा, ये सब आपके हिस्से आता है। इसी को कर्म कर्मफल का नियम कहते हैं। आपके जो संतान है, सुपुत्र हैं, उनको भी मार्गदर्शन मिले, ऐसे आप प्रयास कर सकते हो।
उसमें आपको अपना समय अगर डालना है तो आप समय दे सकते हो कि उसे मार्गदर्शन मिले। उचित यही होगा कि हर व्यक्ति जो है, जो बालिग हो जाता है, उसे प्रयास करना चाहिए कि सद्बुद्धि से ही व्यवहार करें। सद्बुद्धि से व्यवहार करने पर यह नहीं होता है कि हमेशा आपको सफलता ही मिल, असफलता भी मिल सकती है। तो लेकिन अगर व्यक्ति सद्बुद्धि, मतलब व्यक्ति जो है सोच समझ कर प्रयास कर रहा है, सिर्फ एक लोभ के कारण या आशाबद्ध खाली मात्र होकर प्रयास नहीं कर रहा बिना बुद्धि लगाए, तो बुद्धि का अगर प्रयोग करके प्रयास कर रहा है तो उसे सत प्रयास कहा जाता है। उसमें सफल हो विफल हो दूसरी बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। शोभा कुंठे माता जी अब अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। कृष्णा जी उनका माइक ऑन नहीं हो रहा शायद से, तो ठीक है हम अगला प्रश्न लेते हैं जो कि गूगल ड्राइव पे आया है। ड्राइव पे डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी पूछ रहे हैं कि आत्म स्वरूप का साक्षात्कार इसका अर्थ क्या होता है और ये हमें कब होगा। साक्षात्कार जो है प्रयास से होता है, आपने उचित प्रयास किया तो साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के लिए आपको आत्मचिंतन पूरी तरह से करनी पड़ेगी। आत्मचिंतन के लिए अगर आप कोई भी योग प्रणाली स्वीकारना चाहते हैं तो आप स्वीकार सकते हैं। योग प्रणालियों में क्या क्या आता है, कर्म है, ज्ञान है, उपासना है। तो अगर आप पूरी तरह से या इनके तीनों के आधार पर या किसी एक के आधार पर, किसी एक के माध्यम से आप जो है कर्म, ज्ञान और उपासना के माध्यम से आप पूरी तरह से आत्मचिंतन में लग गए हो 24 घंटे, तो फिर आत्म साक्षात्कार होगा। अच्छा, अगर आप आत्मचिंतन कुछ समय कर लेते हो, बाकी समय जो है आप बाह्य चिंतन करते हो, अर्थात अपने अपने अलावा किसी और तत्व का आप चिंतन करते हो, जैसे कि कितने सारी योनियां हैं उसके बारे में चिंतन करते हो, तो फिर आपका आत्मचिंतन जो है भंग हो सकता है। जब आपके आत्मचिंतन में आप इतने पूरी तरह से स्थित हो जाते हो कि बाह्य चिंतन करते हुए भी आपका आत्मचिंतन स्थिर रहता है तो सिद्ध महात्मा कहलाता है वो व्यक्ति। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न यहाँ पे चैट में आया है, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट गजानपुर का प्रश्न लेंगे। यहाँ पे ज्ञानेश्वर प्रभु पूछ रहे हैं, डेली बेसिस पर भगवान की दिव्य लीला का और हरिनाम प्रभु का स्मरण कैसे करें। पहले साधना के रूप में करें, फिर आसक्ति के रूप में करें। जी है, आसक्ति के रूप में पहले साधना के रूप में कीजिए, साधक के रूप में कीजिए, क्षमा करना, पहले साधक के रूप में कीजिए फिर आसक्ति वश कीजिए। यस थैंक यू प्रभु जी, पहले साधना के रूप में और फिर आसक्ति वश। अगला प्रश्न गजानन प्रभु जी का है। प्रभु जी अपना है, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कीजिए ताकि आप आपको अवसर मिले प्रश्न पूछने का। पूछू मैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम स्वयं से जब प्रेम करते हैं, स्वयं से खुद खुद के ऊपर, तो इसमें हम भक्ति के मार्ग पर इसमें बाधा आती है क्या, या फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन स्वयं स्वयं से जो प्रेम है वो हमें इससे इसमें पीछे धकेलता है क्या, ऐसा कुछ। इस संसार में जब भी प्रेम शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो शायद हम अपने स्वरूप को भौतिक किसी योनि के रूप में देखते हैं अक्सर। तो अगर आपका वैसा जो है उस प्रकार का आपका विचार नहीं है तो फिर ठीक है। स्वयं से प्रेम करना, अगर आत्म प्रेम जिसे कहते हैं, वो स्वाभाविक है, वो हर जीव करता है।
भले ही वह अपनी आत्म पहचान भूल गया हो और अपने आप को 84 लक्ष योनियों में से कोई एक भी योनि मान रहा हो, फिर भी स्व प्रेम जो है वो होता ही है जीव का। इसलिए जीव अपनी अपनी चिंता या अपनी अपने लाभ हानि की बात बड़े आसानी से समझ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारा आत्मस्वरूप है उसके प्रति प्रेम, तो आत्मस्वरूप के प्रति प्रेम वो जो है वो स्वाभाविक है, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही जताने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य की किरण में अपने आप प्रकाश होता है और तेज होता है, उसे उसे जताने की और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं से हम तेज ले आए अपने आप को प्रकाशमय कर लें। सूर्य का किरण हमेशा से प्रकाशमय होता है। उसी प्रकार से जीव जो है आत्मस्वरूप में वो अपने आप से प्रेम ही करता है क्योंकि वह उसका स्वभाव है। अपने आप से प्रेम करने का अर्थ क्या है? अगर आप अपना अस्तित्व जान जाते हो तो उस अस्तित्व से आपका प्रेम होता है, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में जीव का अस्तित्व माना गया है कि भगवान का नित्य सेवक है, दास है। तो आत्म प्रेम का अर्थ होता है कि आप अपने इस अस्तित्व से प्रेम करते हो या आप अपने इस अस्तित्व पर श्रद्धा रखते हो कि आप भगवान के नित्य सेवक हो, दास। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आचार्य हैं और भगवान हैं, उन्होंने हमें समझाया कि जीव का स्वरूप जो है वो नित्य कृष्ण दास है। तो जीव जब अपने आप को भगवान सेवा में संलग्न कर लेता है, पूरी तरह से मग्न हो जाता है भगवत सेवा में, तो उसका प्रेम बहुत बढ़ता है स्वतः के प्रति। बढ़ता है मतलब ऐसा नहीं कि कम है, उसके उसका प्रेम का जो आनंद है ना वो बढ़ते रहता है, अपना प्रेम का जो आनंद है वो बढ़ते रहता है। तो बाहर से उसे जताने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना कर्तव्य पालन करते रहिए और अपने बुद्धि से प्रयास करते रहिए कि जो भी योग्य है उसमें आपका मन लगे और जो निषेध है या अयोग्य है आपके हित में नहीं है उससे आप दूर रहिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि अपने आप से किसी किसी व्यक्ति ने ईर्ष्या या अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, ये जो है बहुत ही नुकसानदायी है, इससे बहुत परेशानी है। अपने आप से प्रेम करने की आवश्यकता, जो व्यक्ति अपने आप से नफरत करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो ऐसी कुछ ऐसा कुछ प्रयास करे जिससे कि उसका अपने प्रति जो घृणा है वो निकल जाए। तो प्रायश्चित करने का मार्ग दिया गया है, ये तपश्चर्या करने का मार्ग दिया गया है जिससे कि स्वतः के प्रति जो घृणा है वो दूर हो जाए। किंतु अपने लिए प्रेम जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा लोभी हो गया, ठीक है ना। वो सिर्फ अपने बारे में ही विचार कर रहा है, अपने लोभ के बारे में या अपने जिद पर ही विचार कर रहा है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि सूर्य किरण, उसी प्रकार से उदाहरण देते चुंबक, चुंबक को अपने चुंबकता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसका स्वभाव। चुंबक को यह ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार से उसकी जो शक्ति है जिससे कि वो लोहा इत्यादि को आकर्षित कर देता है वो कम ना, क्योंकि हो सकता है किन्हीं कारणों से वो कम हो सकता है। तो उसे सिर्फ इतना ही विचार करना है कि उसकी जो क्षमता है वो कम ना, बाकी उसका जो स्वभाव है वो तो स्वभाव ही रहेगा ना, वो कैसे बढ़ेगा? कितना भी वो अपने आप से प्रेम कर ले ना, ऊपर से ना वो बढ़ने थोड़ी वाला है, वो जितना है उतना है, पूरा परिपूर्ण है वो। तो अपने आप से नफरत मत कीजिए, ये हानिकारक है। अपने आप से घृणा मत कीजिए, ये हानिकारक है। अपने आप को परेशान मत कीजिए, यह हानिकारक। अपने आप से प्रेम करना ही आपका स्वभाव है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपने आप को अगर आप हानि नहीं पहुंचा रहे तो अपने आप आपका प्रेम जो है ना आपसे अपना कर्तव्य पालन करवा लेगा, ठीक है? हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझ में भी आया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे।
अगला प्रश्न यहाँ पे गूगल फॉर्म से एक प्रश्न लेंगे। प्रश्न है श्रीपद मंजरी माता जी का। माता जी पूछ रहे हैं कि अगर हमसे कोई आशीर्वाद की याचना करे तो क्या हम आशीर्वाद देने के लिए योग्य होते हैं क्या, या दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए क्या कुछ योग्यता की जरूरत होती है? हम आशीर्वाद या आशीर्वचन हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य होता है। जैसे कि हमसे जो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? इसका ये मतलब नहीं कि खाली आशीर्वाद देना या आशीर्वचन देना है, देखना यह है कि वो सुरक्षित है। तो क्योंकि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, हमसे जो है ना उनकी वो हम पर अवलंबित है, तो उनको सुरक्षित रखना इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। ये नहीं कि हमने किसी को बोल दिया कि हाँ हमारा आशीर्वाद है कि आप जो हो सफल हो जाओ। उनको किस किस प्रकार से हम उसमें मदद कर सकते हैं इसको कहते हैं आशीर्वाद। नहीं तो सब जो ऐसे ही बोल बच्चन हो जाता है, जब खाली बोलते रहते हैं कुछ उसका लाभ नहीं मिलता। हाँ किसी का अशुभ ना हो, अनिष्ट ना हो, इसलिए आप शुभ वचन बोल सकते हैं। किसी के मन में उत्साह बढ़ जाए तो आप शुभ वचन दे सकते हैं। आशीर्वाद का अर्थ यही होता है कि आप किसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं और उसके लिए आप तत्पर हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति आशीर्वाद देता है उसको जो भी शब्द उसने कहे हैं उन शब्दों को पूरा करना पड़ेगा। भले ही सामने वाला व्यक्ति जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, अब आपने क्योंकि आशीर्वाद दिया तो आपको प्रयास करना पड़ेगा कि उसकी कमजोरी चली जाए और वो मेहनत करे और अपने फल को प्राप्त करे। इसे कहते हैं आशीर्वाद। ठीक है, कृष्ण पद्मंजरी माता जी आप कुछ अभिप्राय देना चाहते हैं? जैसे हमने कहा ना कि अगर आपके पास कुछ क्षमताएं हैं और आप पर कोई अवलंबित है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आपके ऊपर कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका ध्यान दें, उसकी मदद करें, तो आपकी क्षमता के अनुसार आपको उसका आशीर्वाद देना आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपके प्रति किसी ने वो कार्य किया था, तो जो कुछ मिला है वो देना पड़ेगा ना। वो बस सब कुछ थोड़ी अपने पास हम रख सकते हैं, तो या तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं जिससे कि आपका आशीर्वाद जो है आप पर जो जो निर्भर है ना, आपके प्रति जो निर्भर है उनके जीवन में कुछ उन्हें सहायता हो जाए, तो ऐसे करना जो है उसे कर्तव्य पालन कहा गया है। तो अपने कर्तव्य का पालन करने से हमारी वृद्धि होती है, हमारा मन जो है वो प्रसन्न होता है और लोक प्रीति भी प्राप्त होती है। लोक प्रीति जहां पर हो वहां पर मन और प्रसन्न होता है, शांत हो जाता है। तो अपनी क्षमता बढ़ाएं, क्षमता अगर और अपनी क्षमता के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपकी कितनी क्षमता है, उसके अनुसार आप आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, कर्तव्य के बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आशीर्वाद देना ये कोई मतलब खिताब वाली बात नहीं है कि अरे आशीर्वाद दे दिए मतलब हम आशीर्वाद बाबा हो गए या आशीर्वाद दादी हो गए, ऐसा नहीं। आशीर्वाद देना ये कर्तव्य के बात है। क्यों? क्योंकि हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है दूसरे लोगों से, तो अब जो हम पर निर्भर है उनको आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य होता है, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु अगर देने के लिए हमारे पास हमारी क्षमता ही नहीं है तो हमारा खाली वो बोल जिसे बोल बच्चन नहीं कहते हैं, खाली शब्द हो जाते हैं, तो फायदा क्या उससे, लाभ क्या? आशीर्वाद देने के लिए मेहनत करते रहिए। अंत तो गत्वा तो सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो जब आप आशीर्वाद देते भी हो तो यह आपका कर्तव्य यह नहीं सोचना चाहिए कि आपने आशीर्वाद दिया, ये समझना चाहिए कि वो क्षमता जो है प्रभु ने दिया हुआ है, तो वो तो ध्यान में रहना ही रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान सबको आशीर्वाद देने में सक्षम है, हम जो हैं बिल्कुल ही नपुंसक हैं, ऐसे विचार करके हम जो हैं क्षमता होते हुए भी किसी की मदद ना करें, ये अपराध है। भगवान ने
अपनी शक्ति सभी में डाली हुई है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष हमें आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? खेत में फसल होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? कितना कष्ट करके वो जो है खेत में खड़े हो जाते हैं, कितना कष्ट करके वृक्ष जो है खड़ा होता है, कितना कष्ट करके नदी बहते हुए हम तक पानी ले आते, कितना कष्ट करते हुए सूर्य जो है तपाते हैं जलाशयों को, फिर उसे परिवर्तित करते हैं मेघ में, और मेघ जो है वर्षा करके हमें जल देता है। ये सारे लोग तो कष्ट कर रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, तो इतना जब आशीर्वाद मिल रहा है, थोड़ा सा अगर किसी को मदद करने की हमें क्षमता है तो हमें मदद करनी चाहिए, उसी को आशीर्वाद कहते हैं। सोचिए अगर मेघ अगर खाली आशीर्वाद देते हैं, हाँ जी हम आपको वर्षा देंगे और फिर निकल जाता है वहां से, उसको आशीर्वाद थोड़ी कहते हैं। कोई वृक्ष बोल दे कि हाँ जी हमने आपको आशीर्वाद दिया, आप जो सुखी रहो, और फल देता ही नहीं है वृक्ष, तो आशीर्वाद कहाँ से हो गया? तो सृष्टि में तो इतने सारे लोग जो हैं बिना बोले, बिना हमसे पूछे, बिना हम उन हमारे उनसे पूछे वो हमें आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। तो अगर कहीं पर किसी को आशीर्वाद देने की बात आती है तो दे देना चाहिए। आशीर्वाद का यही मत अर्थ नहीं होता कि खाली मानव योनि में हमें आशीर्वाद देना है, हर योनि में आशीर्वाद देना है। ठीक है, अगर आपके पास सिद्धि है तो सिद्धि के आधार पर आप आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, किंतु आशीर्वाद देना ही हमारा कर्तव्य है क्योंकि हमें आशीर्वाद मिला है। संकुचित मन के नहीं हो सकते हैं। आशीर्वाद की परिभाषा आप समझ लीजिए, आशीर्वाद का अर्थ होता है कि किसी को अगर मदद हो सकती है, किसी को हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो वह करना हमारा कर्तव्य होता है और वही आशीर्वाद है। जैसे होता है ना नाटक उटक में बोल देते हैं आयुष्मान भव, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आपकी लंबी आयु हो। लंबी आयु कैसे होगी? आपको उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा ना, तो आप प्रयास करते हो कि वो व्यक्ति जो है उसे के जीवन में कोई भी तकलीफ ना है। खाली आपने बोल दिया आयुष्मान भव, बोलने से थोड़ी हो जाता है। या तो आप अपनी सिद्धि से कीजिए, या तो आप अपने शारीरिक बल से कीजिए, बुद्धि के द्वारा कीजिए, सुरक्षित रखिए उस व्यक्ति को या उसकी मदद कीजिए, तो उसे कहते हैं आशीर्वाद। जो सिद्ध महात्मा होते हैं जब आयुष्मान भव कहते हैं, लंबी आयु हो आपकी ऐसे कहते हैं, तो अपनी सिद्धि जो है उसका कवच प्रदान कर देते हैं। और वो सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई उन्हें? भगवान की कृपा से। भगवान ने उन्हें उनके साधना का फल दिया हुआ है। वैसे ही आप अपने बच्चों को, या आप जो है वृक्ष लताओं को, या आप जो है अन्य कोई योनि है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनको आशीर्वाद देते रहिए जितना आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा, अगला प्रश्न सुस्मिता माता जी का है। माता जी आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि कल रथ यात्रा है, उसके लिए आपको प्रभु जी हैप्पी रथ यात्रा। प्रभु जी जैसे जगन्नाथ, जो हमारे जगन्नाथ प्रभु जी रहते हैं, उनका नाम है उनके रथ का नाम है नंदी घोष, और वल्लभद्र रथ का नाम है ताड़ध्वज, और सुभद्रा रथ का नाम है दर्पदलन। तो इन तीनों रथ का नाम किसने रखा था और क्यों रखा गया है, और उनके लिए कितने लकड़ी यूज होता है, और उनके व्हील नंबर ऑफ व्हील भी कितना यूज होता है, उसके बारे में बताएंगे क्या प्रभु जी? ये सब कुछ जो है आपको जगन्नाथ जी का जहाँ पर भी उल्लेख किया गया है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है ना जी प्रभु जी? ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछूं क्या प्रभु जी? हाँ जी। प्रभु जी, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है और डिफरेंट क्या है उनके? संबंध यह है कि भगवान जो है वो जीव के प्रेम के विषय है, और जीव जो है भगवान का, भगवान की कृपा का विषय है। यह संबंध है। जीव जो है भगवान से प्रेम करता है, भगवान जो है जीव पर कृपा करते हैं।
ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न रहने से पहले गजानुरु का एक और क्वेश्चन यहाँ पे चैट में आया है। पिंकी पहले ही माता जी पूछ रहे हैं। मणि गौर प्रभु यस प्रभु जी, ये जो है ना जगन्नाथ जी का जो उनके संदर्भ में जो कुछ पूछा गया है पोस्ट कर देना इसे ताकि सबको मिल जाए। जी जी प्रभु जी ठीक है। यस प्रभु जी अगला प्रश्न पिंकी पिल्ले माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि आत्मचिंतन का अर्थ क्या होता है। जैसे भोजन चिंतन होता है ना, भोजन चिंतन होता है या फिर यश चिंतन होता है। भोजन चिंतन क्या होता है कि क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाना होगा, तो व्यक्ति जब पूरी तरह से उसके बारे में विचार करने लगता है तो उसे कहते हैं भोजन चिंतन। आत्मचिंतन है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है तो उसे कहते हैं आत्मचिंतन। उस आत्मचिंतन से फिर आत्म साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति भोजन के बारे में चिंतन करता है फिर वो भोजन ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वो व्यक्ति अपने आत्म जो उसका अस्तित्व है, आत्मस्वरूप का अस्तित्व है, उसको ग्रहण करता है। ठीक है। हरे कृष्णा। पिंकी माता जी आप प्लीज अपना अभिप्राय व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल मैं पूछ सकती हूँ। प्रभु जी एक कैरलेट है जो अयप्पा मंदिर के डिवोटी भी है और जो सोशल वर्कर भी बहुत अच्छे से करते थे, यानी विद फुल हार्ट डेडिकेटली, तो आज ऐसा कंडीशन आया है कि हम परसे उनसे बात वगैरह सब किया था लेकिन आज वो एमजीएम के हॉस्पिटल में अपने आईसीयू में है और आज एट प्रेजेंट वो वेंटिलेटर पे है। लेकिन उन्होंने ऐसा हमने देखा है, अब सभी बोलते हैं कि वो हर कुछ बहुत अच्छे से किया है, लेकिन आज उनका ये ऐसा कंडीशन क्यों हो गया प्रभु जी? क्या रीजन क्या है? क्योंकि सब बोलते कि वो बहुत इतना अच्छा इंसान रह के भी ऐसा एक सिचुएशन में आया है कि सब ऐसा टेंस में है प्रभु जी। मृत्यु तो सभी को आनी है, मृत्यु के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो कैसा स्वरूप होगा वो जो है व्यक्ति को उत्पीड़ित कर देता है कि भाई ये स्वरूप जो है उसकी वजह से व्यक्ति जो है या तो घबरा जाता है या फिर संदेह आ जाता है उसके मन में कि व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु का एक ही स्वरूप होना चाहिए कि बहुत शांत अच्छा। एक मृत्यु तो मृत्यु है। जैसे सोचिए कि परीक्षा में 100 क्रमांक में से कहा जाता है कि 35 क्रमांक मिलेगा तो आप उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। अब किसी को 34 मिले या किसी को 5 क्रमांक मिले, फेल तो फेल होता है ना। अगर कोई बोले कि अरे 34 में अगर मिल जाता तो कम से कम अच्छा लगता कि एक ही मार्क से छूट गया, अगली बार प्रयास करेंगे। और 5 मार्क से अगर फेल हो गया तो लगता है कि भाई हो ही नहीं पाएगा, 5 से 35 कैसे पहुंचेंगे। नहीं, प्रयास तो प्रयास होता है। 5 क्रमांक मिले हैं तो आपको प्रयास ऐसा करना पड़ेगा कि आपका ध्यान और लगे, बात समझ में आ जाए। 34 क्रमांक मिले हैं तो आपको प्रयास वही करना पड़ेगा, बात समझ में आ जाए, ध्यान लगे। तो उसी प्रकार से मृत्यु तो मृत्यु होती है, उसको कोई हमें मृत्यु को जो है ना उसका अलग अलग कैटेगरी करके कोई फायदा नहीं कि ये मृत्यु अच्छी मृत्यु है, ये मृत्यु गंदी मृत्यु है, ये मृत्यु जो है तकलीफदायी मृत्यु है। मृत्यु मृत्यु होती है, शरीर की पीड़ा होती है। हाँ, अगर कोई ये पूछ रहा है कि ठीक है मृत्यु के पूर्व क्यों उनको उनकी इतनी पीड़ा हुई, वो व्याधि होती है। इस संसार में लोगों को व्याधि आ जाती है, आप अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, व्याधि तो आनी है। व्याधि मतलब हाँ बीमारी परेशानी।
तो इस भूलोक पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे व्याधि नहीं आई। अच्छा, व्याधि में भी आप कैटेगरी कर लोगे, अरे ये ज्यादा सीरियस है, ये कम सीरियस है, तो उससे अंतर क्या पड़ेगा? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, वो तो इतना अच्छा काम कर रहे थे फिर भी हो गया। भाई देखिए ना, जीवन भर उन्होंने अच्छा काम किया तो जीवन भर इतनी तकलीफ नहीं आई ना। अब जीवन के अंत में जो ये एक तकलीफ आ गई तो उससे भी हमको लगता है कि भाई ये भी क्यों, क्योंकि भौतिक जीवन है, भौतिक शरीर है, इसमें जन्म आना है, इसमें बीमारी आनी है, व्याधि आनी है, इसे बूढ़ा होना है, इसकी मृत्यु होनी है। तो कोई और है जिसका जीवन भर पीड़ा में बीता, उसके मृत्यु के समय भी जो है उसको ऐसे पीड़ाजनक मृत्यु मिली, और कोई होता है उसको जीवन भर अच्छा चला, कोई ज्यादा व्याधि नहीं हुई, अंत समय में व्याधि होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर भी व्याधि नहीं होती और अंत में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है बस। तो इसमें जो है भेद कर कर फिर संदेह करना, इससे क्या फल मिलेगा? भगवान ने थोड़ी कहा है कि जन्म मृत्यु ज्यादा व्याधि और ज्यादा जो है बुढ़ापा, ये इस संसार का, भगवान ने तो यही कहा है ना, शास्त्र तो यही कहते हैं कि संसार का स्वरूप है बीमार होना, बुढ़ापा आना, चाहे उसमें आपको कम तकलीफ हो ज्यादा तकलीफ हो कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है? कि ज्यादा मेहनत करके कोई फेल हो गया और कम मेहनत करके कोई फेल हो गया, अंतर नहीं पड़ता। फेल होना का अर्थ है कि फिर से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से शरीर लेने का अर्थ होता है, शरीर धारण करने का अर्थ होता है कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तकलीफ आने वाली है। खाली इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं, दो चीज हम कर सकते हैं, एक यही प्रार्थना कर सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं कि जीवन भर का उनका जो भी पुण्य कर्म हो उसकी वजह से या तो उनको अगला जीवन ना मिले, मतलब मुक्ति प्राप्त हो जाए, या अगला जीवन मिले भी तो उसमें भी उन्हें अच्छे कर्म करने के सारे संधियां मिले। और दूसरी चीज यह कर सकते हैं कि उनकी जितनी भी मदद हम कर पाए उतनी मदद करनी चाहिए, ये दो कार्य कर सकते हैं। संदेह करने से या विचार करने से किसको लाभ मिल रहा है? ना तो उनको लाभ मिल रहा है, ना ही हम अपना कर्तव्य पालन कर पा रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ संदेह करने से? परिस्थिति तो यह है ना कि आज वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं, तो प्रार्थना कीजिए उनके लिए और उनकी मदद कीजिए, व्यर्थ समय मत बिताइए, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, हरे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछूं? प्रभु ऐसा है एक्चुअली हम कर्म के फल में इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं या फिर किसी और जन्म में भी भुगतने पड़ सकते हैं, और उसके साथ ही थोड़ा सा एक जोड़ के है कि अगर विष्णु पुराण अनुसार हमें नरक में वो कर्म भुगतने पड़ते हैं तो हमारी आत्मा को तो वैसे ही कुछ होता नहीं है, तो फिर वो वहां पे कैसे भुगतने पड़ेंगे? एक्चुअली मैंने विष्णु पुराण पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैंने सर जस्ट ऐसी सुनी है कि उसमें ऐसा लिखा है कि आपको कर्म, आपके कर्मों के फल आपको मृत्यु के बाद में भी भुगतने पड़ने वाले, तो ये सही है क्या? हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं जो ये सिस्टम चलाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ सोच विचार कर लिया है कि कैसे फल मिलेगा, ठीक है ना? सबसे पहली बात वो समझना चाहिए, हम में से और आप में से लोगों ने नहीं निर्णय लगाया। अगर इसमें इस बात पर श्रद्धा रखते हैं कि मृत्यु उपरांत भी कोई जीवन होता है, तो फिर यह भी विषय समझना चाहिए कि बुद्धिमान लोगों ने ये पूरा सिस्टम जो है बना कर रखा हुआ है। मतलब कैसे ये
काम करेगा वो जानकारी उनके पास है। दूसरी बात, कर्मफल जो है इस जीवन में, अगले जीवन में, दोनों जीवन के बीच में कहीं और जीवन है, कहीं पर भी आपके कर्मफल मिल सकते हैं जहां पर यथा योग्य हो। जैसे अगर आप सोचिए गाड़ी चला रहे हैं गुजरात में और आप आते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में आपने कोई नियम तोड़ दिया, महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो गुजरात में आपको लेकर जाया जाएगा कि वहां पर आप चलिए कोर्ट में, क्योंकि वहां का नियम तोड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो यहां पर महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र का भी मैं नागरिक हूँ, तो बोलेंगे ना ना ना, यह हमारे समझौता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये समझौता है, और वो सारा सब कुछ सिस्टम उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। तो अगर आपको गुजरात में जाकर उसका भरपाई करना है तो गुजरात लेकर जाएंगे आपको, और कैसे लेकर जाना वो भी उन्होंने प्रायोजन किया हुआ है। उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट है, उनके पास ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, जरूरत पड़ने पर प्लेन से भी लेकर जाएंगे, और ये सब भी साधन आ रहा तो पैदल आपको लेकर चले जाएंगे वहां पर। तो सारा प्रायोजन उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं उसके, वो लॉ है, वो आपके नियम अधिनायक है कह सकते हैं, जो नियमों को जो समाज के नियमों को धर्माधिकारी कहिए, वो सब जो है या नियमाधिकारी, वो नियमाधिकारी लोग हैं, तो उनके पास उतनी क्षमता होती है, और वो जहां पर योग्य है जैसे होना चाहिए वैसे आपको वहां पर जो भी आपका फल है, जो भी दंड है वो प्रदान करने के लिए आपको वहां पर पहुंचा ही देंगे। तो अगर आपने विष्णु पुराण का कहीं पर संदर्भ पढ़ा है या सुना है तो उसका तथ्य यही है कि आपको वहां पर ले जाया जाएगा और दंड देने के लिए जो भी योग्य आवश्यकता है वो आपको प्रदान की जाएंगी। जैसे अगर आपका दंड यह है कि आपको धूप में खड़ा करना पड़े, खाली उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा दंड दिया जाए कि आपको सोचिए गुजरात प्रांत में किस कहीं पर धूप में खड़ा करना जाए तो आपको सौराष्ट्र ले जाएंगे, वहां पर खूब धूप आता है, सौराष्ट्र में जाके खड़ा कर देंगे आपको रेगिस्तान में और अच्छे से दंड दिलवाएंगे। और अगर दंड यह है कि आपको ठंडी में खड़ा करना है तो गुजरात का जो है ना हिमाचल से उत्तराखंड से समझौता है, बोलेंगे कि हमारा एक कैदी है उसको यह दंड देना है, हमारे गुजरात में तो हिम है नहीं तो क्या हम आपके यहाँ आकर, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल एक्सचेंज ऑफर है, आप अपने कैदी को ले आइए और हमारे कैदी को अगर धूप में खड़ा करना है रेगिस्तान में तो हम आपको वहां पर भेज देंगे। तो ये समझौता बनाकर रखा हुआ, तो आप चिंता मत कीजिए कि दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको श्रद्धा है कि ऐसे दंड हो सकता है तो सारा प्रयोजन किया गया है कि किसी को दंड कैसे मिलना है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, अभी तो क्लियर हो गया है। एक उसमें एक संदर्भ ऐसा कि इसी जन्म में मिलेगा या फिर ऐसा, वो भी हमने बताया ना कि उनको पता है कि कहां पर मिलना है। अच्छा, अगर गुजरात वालों को लगता है कि गुजरात लाने में ज्यादा खर्चा है, इसको महाराष्ट्र में ही दंडित कर दिया जा सकता है तो महाराष्ट्र में दंडित कर देंगे, वो भी समझौता है उनका। सारे समझौता जो है ना, सब कुछ जो है उन्होंने प्रायोजन करके रखा हुआ है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता यही करनी है कि क्या हम जो है ऐसा कार्य करें जिससे कि दंड मिले या उससे बच कर रहे, ये खाली चिंता कीजिए, बाकी प्रायोजन करके रखा गया है। प्रयोजन किया जाता है ना वैसे बस, ये एक ऐसा संसार है, जैसे कि आपको शायद पता ना हो कि बाकी देशों में कैसे उन लोग अपने अपने राज्य में करते हैं, है ना। भारत में तो हम कर लेंगे, फिर भारत जो है बाकी जो अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ भी समझौता करके बनाया रखा है कि एक्सट्रेडिशन हो जाएगा, उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं, ये समझौता है, सब बना हुआ है। भले हमको ना पता चले, हमको शायद ज्ञात ना हो कि उनके राष्ट्र में कैसे नियम होते हैं, हमें ज्ञात नहीं, थोड़ा बहुत संज्ञान हो, थोड़ा बहुत शायद हमें पता है कहाँ पर मिलना है, यहाँ पर मिलना है, कहीं और पे मिलना है, अगले जन्म में मिलना है, जैसे मिलना है, वो सब कुछ प्रयोजन किया गया है। फिर से हम कह रहे हैं अगर हम इस बात में श्रद्धा रखते हैं कि ऐसा है तो सारा प्रयोजन किया गया है, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें लगता है कि इन बातों को इसकी मान्यता ही नहीं है, जैसे भारत में रहने वाला कोई सोचे कि अरे अगर हम चले जाते हैं
तुर्किस्तान या कहीं पर तुर्की भी है, तुर्कमेनिस्तान चले जाते हैं और वहां पर तो भारत का नियम लागू ही नहीं होगा, वहां पर खुलेआम से नहीं, वहां पर उनका नियम लागू होगा। और भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में अगर समझौता है तो भारत के भी कुछ नियम आप पर लागू होंगे। प्रभु जी इसका मतलब ये निकाल सकते हैं क्या कि अगर मुझे जीवन में अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो मैंने किसी कोई कोई कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज ये तकलीफ मेरे साथ में है, ऐसा इसका मतलब हो सकता है। आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वो भी उसी कारण से हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि पिछला आपके कर्म के कारण हो रहा है, वो पिछला हो या अभी का हो वो कर्म के कारण हो रहा है। तो अगर समझे तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब हम हमारे कर्म को भुगत के और अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझ। अच्छाई की तरफ जा रहे हैं किसने कह दिया? जैसे हम हमारे कर्म भुगतने की वजह से फिर आपका उदाहरण ऐसे हो गया कि कोई बीमार है तो अस्पताल से ठीक होकर आ गया तो अच्छाई की तरफ जा रहा है, वो स्वस्थ जीवन की तरफ जा रहा है। ना ना ना, ना अस्पताल से स्वस्थ बनकर आया है, अब रहेगा कि नहीं रहेगा उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अच्छा, वो जो बीमारी थी उससे मुक्त हो गया वो। तो कर्म फल भुगतने के बाद में शुद्धि कैसे होगी फिर हम लोग? हम लोग ऐसे कब समझा, हमें फिर मुक्ति कब मिलेगी कि कर्म खत्म हो गए और मुक्ति मुक्ति के राह पे चलेंगे? ये आप प्रयास करोगे तब मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का प्रयास तो स्पष्ट है ना, जो व्यक्ति आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है उसकी आप सेवा कीजिए, देखिए वो मुक्ति दिलवा देगा आपको। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। भगवान मुकुंद की सेवा कीजिए, मुक्ति प्रदाता इति मुकुंद। तो उनकी सेवा कैसे की जाती है उसके लिए हमारे पास शास्त्र दिए गए, यम नियम दिए गए, हमारे पास साधन दिए गए हमारे पास, उस सबका आप शास्त्र का जो है, अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो उन नियमों का पालन करने से मुक्ति के अभिलाषी हो सकते हैं, फिर भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद जी। अगला प्रश्न पूछने से पहले जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपने हैंड रेस कर लीजिए। उससे पहले कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस जी, दो तीन आपके लिए और फिर हम आगे प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि जो भी लोग आपको, काफी लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कुछ एक क्वालिटी जो आप चाहोगे कि वो सब अपने आप में डेवलप करे, और एक वो क्वालिटी जो आप चाहते कि किसी में नहीं होनी चाहिए। योगी बने, भोगी मत बने। थैंक यू ब्रोजी। और दूसरा प्रश्न ये कि व्हाट इज सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन, आप सब लोगों को इतना इंस्पायर करते हो, आपका इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है, आपको क्या चीज इंस्पायर करती है? श्री भगवान जी। और हमें भी लगता है कि बाकी लोग भी श्री भगवान से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए जी। और तीसरा प्रश्न प्रभु जी कि वो कौन सी तीन पुस्तकें हैं, थ्री बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहोगे सबको कि वो भी पढ़ें, तीन पुस्तकों को? ऐसा पुस्तक जिसमें आपके आपके चरित्र के बारे में, आपके स्वरूप के बारे में समझाया गया हो, भगवान के स्वरूप के बारे में समझाया गया हो, और आपके और भगवान का जो संबंध है वो समझाया गया हो। तो भगवद गीता है, भगवद गीता आप अध्ययन कर सकते हैं, पुराणों में जो है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। या इस ये इन ग्रंथों का हम मुख्यतर अध्ययन करते हैं इसलिए इनका नाम ले रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ने हाथ हैंड रेस किए हैं, उनके प्रश्न लेने से पहले मैं एक बार गूगल ड्राइव का एक प्रश्न जो हमारे पास आया है वो लूंगा। यहाँ पे अभय प्रभु पूछ रहे हैं कि
मैं नाम जप करता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, भक्तों के संग में रहता हूँ, मैं करतार मृदंग वो सब बजा लेता हूँ, कृष्ण भावना का भी अच्छे से अभ्यास कर रहा हूँ, पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। और उनके प्रश्न ऐसे हैं कि कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ये सब चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इसके रिजल्ट्स परिणाम नहीं दिख रहे और मैं उच्च स्तर पर नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं आ रहा है मुझ में कि मैं हायर लेवल तक जाऊं, और ये भी संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम भी अभी तक नहीं मिला है, और क्या मुझे कभी जो कृष्ण भावना का जो आस्वादन है, जो टेस्ट है, वो अभी नहीं मिल रहा है कि आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं उसके लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, और ये सब होप्स जो होती है भक्ति में कि हाउ समवन कैन स्टिल डू एफर्ट्स फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इफ देयर इज नो होप। देखिए, श्रद्धा ऐसी होती है ना कि उसका कोई समय सीमा नहीं होता है। तो अब आपने यह निर्णय लगाना है कि आपकी श्रद्धा कहाँ पर है। या तो आप श्रद्धा, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारे जो भी आप प्रणाली कर रहे हैं या अपनाए हुए हैं उसमें श्रद्धा है, या आपकी श्रद्धा किसी और चीज में है इसलिए इस प्रणाली को त्याग कर आप किसी और चीज में श्रद्धा रखना चाहते हैं। निर्णय है आपका। श्रद्धा तो आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, अपने आप में रखिए, अपने जो भी अस्तित्व है, उस अस्तित्व मतलब आप जो आपको लगता है कि अगर आप जो हैं सक्षम हैं उसमें आप श्रद्धा रखिए, या आपकी श्रद्धा इसमें है कि आपको कुछ और क्षमताएं प्राप्त करनी चाहिए, या आपको जो है और मेहनत करके आपको और मजबूत बननी है, या फिर और आप प्रगति करिए, इसमें आपको श्रद्धा रखनी है। अब प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है तो तभी समझ में आएगा अगर आपके पास कोई मापदंड है ना। तो पहला आपका मापदंड क्या है, आपके पैरामीटर्स क्या है जिस पर आप ये मेजर करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका पैरामीटर, जैसे कुछ लोगों का पैरामीटर मापदंड यही होता है कि हमारा समय अच्छे कामों में जा रहा है, यही हमारी प्रगति है। श्री प्रभुपाद जी, एक बार किसी ने पूछा उनसे कि अगर ऐसे पता चल जाए कि अंत में भगवान कृष्ण नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, जीवन भर जो हमने इतना अच्छे से नाम जप किया है, कीर्तन किया, प्रसाद ग्रहण किया है, ये अपने आप में जीवन शैली इतनी अच्छी है, नुकसान कहाँ पर। प्रभुपाद का कहना यह था। फिर प्रभुपाद ने यह कहा, फिर प्रति प्रश्न पूछा कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते और पता चले कि कृष्ण है, अब आप क्या करोगे। तो प्रश्न दोनों तरफ से होता है ना। प्रश्न यह होता है कि हमें पता नहीं चल रहा है, कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करें भाई। श्रद्धा रखकर आप, श्रद्धा आपकी थी इस प्रणाली में, तो इस प्रणाली में आपको कब तक श्रद्धा रखनी है ये आप पर निर्भर करता है। अब उल्टा प्रश्न हम पूछते हैं कि किसी कारण से आपकी श्रद्धा का फल जो है 2 साल बाद आना है और अभी आप संदेह कर रहे हो, अब इसका फल क्या होगा, किसका इसमें नुकसान है। अगर ऐसे विचार कर लें, जब भी मन में संदेह आए अगर ऐसा विचार कर लें कि शायद 2 साल बाद हमें फल मिलने वाला है, तो मन का संदेह अपने आप दूर हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे उठते हैं ये भी बहुत जरूरी है समझना। क्या प्रश्न जो है वो हमारे लिए आशा, हमारे आशाएं बढ़ाते हैं, आशा बंद हैं, या हमें निराश करते हैं। तो श्रद्धा खास करके अगर आप कहीं पर प्रगति करना चाहते हैं तो वहां पर उस प्रणाली में अगर आप श्रद्धा रख रहे हैं तो आपको आशाबद्ध रखने के लिए जो भी आपके मन में प्रश्न उठ सके वैसे प्रश्न उठाने चाहिए, वैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो विचार कीजिए इसके ऊपर कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर हम सोच रहे हैं कि इतने वर्षों से हम कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरा हम ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि इतने दिन से हम कर रहे हैं शायद अगले साल हो जाए, और अगले साल नहीं भी होता तो उस समय भी हम दृष्टिकोण रखते हैं कि शायद अगले साल हो जाए, क्या पता भगवान ने शायद यही लिखा हो या
ऐसा व्यक्ति विचार कर सकता है कि शायद हमारा भाग्य यह है कि हमें फल अगले वर्ष मिले अगर ऐसे मेहनत करते रहे तो ऐसे भी व्यक्ति जो है तो जहां पर आशाबद्ध होकर व्यक्ति प्रयास करता है तो वहां पर व्यक्ति मेहनत करते रहते हैं, और जहां पर निराश होने लगता है व्यक्ति, उसकी मेहनत जो है वहां पर कमजोर पड़ जाती है। अब आपको यह निर्णय लगाना है कि आपकी मेहनत आपने बनाए रखनी है या आपने अपने आप को कमजोर करना है। तो फिर सारे उत्तर आपको, सारा जो मार्ग है ना, किस मार्ग पर आपको चलना है, वो स्पष्ट हो जाएगा। हम तो अपने जीवन में यही मानते हैं कि अगले वर्ष इससे अच्छा कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है, अगले क्षण इससे अच्छा कुछ ना कुछ मिलने वाला है। भगवान की प्रकृति इतनी सुंदर है, सुंदरता ही सुंदरता है भगवान की प्रकृति में ना। कभी कभी लोग जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं तो देखिए बारिश का इंतजार करते हैं, क्योंकि सुंदर होता है पहला वर्षा, पहली वर्षा जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है। वर्षा से परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद आता है शीत ऋतु, वर्षा समाप्त, लेकिन गर्मी भी नहीं, शीत ऋतु। शीत ऋतु से परेशान हो जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, बीच में आपके हेमंत और शरद ऋतु भी आ जाते हैं। तो प्रकृति बहुत सुंदर है, जिसको आशाबद्ध रहना है वो देखेगा कि अगले क्षण कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है ना। एक कथाकार कथा में सुना रहे थे कि दो बेटियां थी, एक की शादी हो गई पापड़ बेलने वाले से, पापड़ जो बनाकर सुखा कर बेचता है, और दूसरे की शादी हो गई छतरी बनाने वाले से। अब गर्मी का मौसम आए तो रोए, क्यों? अरे मेरी बेटी जो छतरी वाले के साथ विवाह हो गया, अब तो बारिश हो ही नहीं रही है तो उसका कुछ धंधा नहीं हो रहा, बेचारे के घर में खाने के लिए नहीं। और बारिश का मौसम आया तो पापड़ वाले जो के साथ जिस बेटी का विवाह हुआ उसके लिए रोती थी, अरे बारिश हो गया अब तो पापड़ सूखेगा नहीं, कोई धंधा नहीं हो रहा है, उनके यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। तो चली गई, अब सोचे कि क्या करें, रोते रह रहे हैं, किसके पास जाएं, कौन हमें जो है इससे बाहर निकाले। तो चली गई किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास, वाइज मैन जिसे कहते हैं, उसके पास चले गए, या साधु कहते हैं। साधु ने कहा देखो बेटा ऐसा है ना, गर्मी के समय आप चिंतन करो, जो पापड़ वाली बेटी है ना, पापड़ वाले के साथ जिसकी शादी हुई उसके बारे में चिंतन करो, और वर्षा के समय आप उस बेटी का चिंतन करो जिसके आज विवाह छतरी वाले के साथ हो गया। अब वो महिला खुशी खुश रहे हमेशा, गर्मी के मौसम में खुश हो जाए, अरे पापड़ तो बहुत बिक रहे हैं, और वर्षा ऋतु में खुश हो जाए, छतरी तो बहुत बिक रहे हैं। तो वही महिला, उसका जो दृष्टिकोण था उसके हिसाब से या तो रो रही थी जीवन भर या खुश रह रही थी जीवन भर। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये सोचता है कि इतने वर्ष बीत गए अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो उसे चिंता होने लगती है, निराशा छाने लगती है। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि इतने वर्ष बीत गए अब बस एक ही वर्ष और बाकी होगा, 10 वर्ष निकाल लिए, 11 वर्ष में तो हो ही जाना चाहिए, वो आशाबद्ध हो जाता है। 11वें वर्ष में भी अगर लगता है कि उतना ही हो गया तो वह अगले वर्ष में ये सोचता है 11वें वर्ष में 11 वर्ष हो गए, 12वें वर्ष में शायद मिलेगा। फिर इस प्रकार से वह आशाबद्ध रह जाता है। श्रद्धा कहाँ रखनी है वो आप निर्णय लगाइए, आपका निर्णय, उसी प्रकार से आप मेहनत करोगे उसी प्रकार से फल मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। अगला प्रश्न उद्देश्य का है, उद्देश्य अपना माइक ऑन करके प्लीज प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि भक्तों को चॉकलेट खानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की छोटी बुक है कृष्णा भावनामृत की ओर पहला कदम, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों को चॉकलेट बिस्किट ये सब अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कुछ कुछ भक्त खाते हैं, और मैं भी खाता हूँ, और हम बाहर से कुछ आइसक्रीम लाते हैं, केक लाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोको पाउडर चॉकलेट यूज ही होता है, तो वो खाने में आ ही जाता है, तो क्या करे, मतलब खाना चाहिए कि नहीं, क्या अवॉइड करना चाहिए? देखो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो जो कहता है कि आपके लिए ये खाना नहीं चाहिए, दूसरे लोग अगर खा रहे हैं, तो अगर उस डॉक्टर की बात हम मानना चाहते हैं तो फिर नहीं खाना चाहिए। तो अगर प्रभुपाद की बात मानना चाहते हैं, क्योंकि हमने प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा हुआ है, तो हमें जो है नहीं खाना पड़ेगा वो, क्योंकि प्रभुपाद की बात मानना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया उसे। अब बाकी लोग जो हैं उन्हें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अपराध हो रहा है, किसी की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं उस पर है, आपको बात माननी है मानिए, नहीं माननी है मत मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो शायद
यही वृत्ति आ जाएगी, मानेंगे तो वो वृत्ति आ जाएगी, इतना ही अंतर है। ठीक है प्रभुपाद जी, जब कहते थे किसी बारे किसी चीज के बारे में निषेध है तो उसका कारण ये होता था कि उन्हें लगता था कि यह हानिकारक है, या तो इससे व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है या उसकी लालच बढ़ सकती है, इसलिए बोलते थे। कोई भी साधु संत इसीलिए बोलता है, हर नियम का कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है ना, विष किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्यों, नुकसान होता है। लेकिन फिर वही भगवान जो है महादेव जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप ये थोड़ा ग्रहण कर लीजिए क्योंकि इससे यही लोक कल्याण में, तो महादेव जी ग्रहण करते हैं लेकिन उसे पचाते नहीं, गले में रखते हैं, गर्दन में उसे समा कर रखते हैं। तो कभी कभी कोई कार्य व्यक्ति कर लेता है, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी को वो करना है। आपको क्या मानना है वो देखिए, महादेव जी बोल सकते थे कि नहीं करना है लेकिन उन्होंने देखा कि लोक हित में वो कर सकते हैं तो उन्होंने कर लिया, उन्होंने विष जो है ग्रहण किया लेकिन कंठ में ही रखा उसे, उनकी उतनी क्षमता थी, कंठ में ही रखा, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि महादेव जी अब हर बार विष ग्रहण करेंगे। तो अगर कोई बाकी भक्त खा रहे हैं जो चीज आपको लग रहा है कि प्रभुपाद जी ने कहा नहीं खाना है, तो उन्हें खाने दीजिए, आपको अगर नहीं खाना है आप मत खाइए, आप पर निर्भर करते हैं। खाते हुए नहीं खाते हुए करना क्या है, भगवान का स्मरण करना है ना। अगर सोचिए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और मन में ये बात रहेगी कि हमने तो खाया नहीं बिस्किट तो ये लोग खा लिए, ये हमने नहीं खाया चॉकलेट ये लोग खा लिए, और ये भी सेवा कर रहे हैं हम भी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है हमारा। और अगर कोई बिस्किट खा रहा है चॉकलेट खा रहा है, हम नहीं खा रहे हैं या खा रहे हैं, जो भी है, सेवा करते समय हम यही सोच रहे हैं कि भाई सेवा में मन लगा रहे हैं, तो फिर उसका पूरा लाभ मिलता है ना सेवा करने का। ठीक है, अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान दीजिए, उसके लिए जो भी अनुकूल है वो आप स्वीकारिए, जो भी प्रतिकूल है उसे आप त्यागिए। गीता में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलिति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमयेत् आत्मैव एव वशम् नयेत्। जहां जहां मन दौड़ता है आप मन को वापस अपने वश में कर लीजिए, और हमारे कुछ अभंगों में ऐसा कहा गया है कि मन दौड़ता है आप उसके पीछे मत दौड़िए, आप जो है निश्चिंत रहिए और मन को वापस ले आइए, उसे शांत करके वापस ले आइए, आप शांत रहिए और वापस ले आइए। ऐसे नहीं कि मन कहीं दौड़ रहा है और आप भी उसके साथ दौड़ रहे हैं हाथ में हाथ रखकर। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि ये नहीं खाना है कि वो नहीं खाना, आपका लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा के लिए क्या अनुकूल है, ये चीज खाने के लिए अनुकूल है, ये चीज प्रतिकूल है वर्जित है, उसका ध्यान दीजिए। ठीक है, यस यस प्रभु जी, थैंक यू, समझ गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगला प्रश्न बिंदु गुप्ता माता जी का है, माता जी आप प्लीज अपना माइक ऑन करके पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मैं अखिलेश गुप्ता, बिंदिया मेरे साथ में ही है। फूड से रिलेटेड ही प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हम सब जानते हैं कि फूड जो है वो प्रसाद ही हमको ग्रहण करना चाहिए, कुछ वर्जित चीजें हैं जो नहीं लेना चाहिए, और क्योंकि उसका असर हमारे मन पे पड़ता है, बनाने का जिसका जैसा भाव है वो हमको हमारे पास आता है फूड के थ्रू। लेकिन कई साधु संत, कई भक्तजन मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे। लेकिन जब वो भिक्षा मांगते हैं तो वो तो चॉइस नहीं करते होंगे शायद कि ये घर में किसने कैसा फूड बनाया है, कैसा उसका प्रिपरेशन किया है, उसको प्रसाद चढ़ाया है नहीं चढ़ाया है, वो तो सारे चीजों को लेते हैं और अन्न को ग्रहण कर लेते हैं जो भी भिक्षा मिलती है। तो क्या उनके ऊपर उस चीज का असर नहीं होता है, फूड का उन पे असर नहीं होता है?
हो सकता है जहां से उन्होंने मधुकरी की हो वहां पे लहसुन प्याज भी यूज किया हो, या हो सकता है साफ सफाई ना रखी हो सकता है प्रसाद ना चढ़ाया हो उसका। देखिए उदाहरण देते हैं पहले कि अगर किसी की पाचन क्रिया जो है कमजोर है तो अगर उसने एक रोटी भी खा ली तो उसे दस्त लग जाएगा, और जिसकी पाचन क्रिया अच्छी है वो कितना भी पकोड़े खा ले वो मस्त रहेगा। तो जो साधु महात्मा होते हैं वो कोई भी कर्म को पचाने में उनकी कितनी क्षमता है उसके अनुसार उनका फल जो है उसका फल प्रकट होता है। तो अगर माधुकरी कर रहे हैं, जैसे कुछ साधु संत माधुकरी करते हैं, हर कोई नहीं करता, उसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपने आप को भिक्षुक माने, तो भिक्षुक समझने के लिए यह करना माधुकरी करना सबसे सरल पथ है। नहीं तो और कोई तरीका नहीं है भिक्षुक का जो है ना वो, या इतना सरल तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप किसी के यहाँ जाकर उसकी सेवा करो, उसके नौकर बन जाओ, तभी आप भिक्षुक हो। यहाँ पर माधुकरी की जो प्रथा है उसमें आप भिक्षुक बन जाते। तो कुछ साधु जो हैं, साधु संत जो हैं, इस वृत्ति को अपनाते हैं। और फिर इसमें यह जो एक कह सकते हैं आप, यह नुकसान जो है हो सकता है, अब उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना उसे पचा लेते हैं, कि क्या वो किसी के कर्म जो भोजन के माध्यम से आ रहे हैं क्या वो उसे पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, अर्थात उन्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो माधुकरी की क्योंकि उन्हें वृत्ति अपनाई हुई है तो उसके साथ साथ ये भी जो नियम है वो उन्हें अपनाना पड़ेगा, ये स्पष्ट है। इसलिए कुछ साधु महात्मा हैं वो माधुकरी नहीं करते हैं, वो सिर्फ कच्चा जो धान्य है वो स्वीकारते हैं। अब वहां पर अगर कच्चा धान्य खाली स्वीकारें तो भिक्षु की पूरी तरह से वृत्ति नहीं आती। ये सारे जो वृत्तियां हैं वो इसलिए हैं ताकि वो ध्यान लगा सके। इन वृत्तियों को लक्ष्य नहीं माना गया, माधुकरी करना ये लक्ष्य नहीं है। माधुकरी के माध्यम से मन जो है अलग अलग धारणाओं से मुक्त होकर सेवा के समय पूरी तरह से भगवान में मग्न रहे, यह जो है उसका उद्देश्य होता है। इसलिए माधुकरी सिर्फ एक साधन है। उसी प्रकार से कुछ लोग जो है भिक्षा में सिर्फ अन्न ग्रहण कर कच्चा अन्न ग्रहण करते हैं, कच्चा धान्य ग्रहण स्वीकारते हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ लोग जो है भिक्षा मांगते हुए कच्चा धान्य स्वीकारते हैं, वो भी एक प्रकार का माधुकरी ही है। वहां पर फिर जो है भिक्षुक वृत्ति थोड़ी कम हो जाती है, किंतु वो भी एक साधन ही है। कुछ जो है वो पूरी तरह से निर्भर होते हैं कि अगर कोई फल फूल जो है कंदमूल मिल जाए उस पर ही निर्भर रहेंगे। तो यहाँ पर वह पूरी तरह से सृष्टि पर निर्भर है, तो वह उनकी भिक्षुक वृत्ति है। और कुछ जो है अन्न जल सब कुछ त्याग करके ध्यान साधना में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर वो भिक्षुक वृत्ति को त्याग चुके हैं। तो भिक्षुक वृत्ति अगर स्वीकार रहे हैं या त्याग रहे हैं यह सब एक साधन है, साधन मात्र है। वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी जिन भक्तों का प्रश्न है कृपया अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। विकास नायक प्रो यहाँ पर चैट में प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रकृति का अर्थ क्या है और किस तरह से होती है। प्रभु जी अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए क्योंकि आपका प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया है। ये कहाँ से बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है? ये कीर्तन हो रहा है प्रभु जी। कहाँ पे? मंदिर में प्रभु जी। तो साउंड कर दें अगर माइक पर कर दें तो। माइक जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलता हूँ।
सस्मिता माता जी का प्रश्न है यहाँ पे चैट में कि कर्म अकर्म और विकर्म वो क्या है प्रभु जी और उनका मीनिंग क्या है। ये भी पोस्ट कर दे ना, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सैद्धांतिक प्रश्न है। कर्म का अर्थ होता है जब शरीर मन से व्यक्ति कोई कार्य करे और उस कार्य के वजह से कुछ कर्मफल जो है उत्पन्न होता है उसे कर्म कहते हैं। जहाँ पर ये कार्यफल जो है या जो कर्मफल है वो आपको कुछ सदगति देते हैं, मतलब आपको कुछ लाभ देते हैं, तो उसे सकर्म कहा गया है, कभी कभी कर्म भी कहा गया है। विकर्म वो होता है कि जहाँ पर ऐसे कर्मफल जो है आपको नुकसान पहुँचाते हैं, और अकर्म वो होता है जहाँ पर आपके कर्मफल जो है वो आपको प्राप्त नहीं होते क्योंकि कोई और उसे स्वीकार लेता है, तो उसे कहते हैं अकर्म। ठीक है, हरे कृष्णा। माइक पर नहीं कर रहे हैं, बिना माइक के कर रहे हैं कीर्तन, और बिना माइक के कर रहे गुरु जी, और पास में ही है जी। मैं बोलता बोल दो गुरु को। हाँ तो बोलो, बोलो दो साउंड जी, थोड़ा सा स्लो हरे कृष्णा। और भी जो भक्त है प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। और विकास नायक प्रभु जी यदि आप यहाँ पे हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और तब तक प्रशांत कैडल प्रभु जी ने अपना हैंड रेस किया है। प्रभु जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली है ना, मतलब काफी दिनों से माइंड काफी सारा डिस्टर्ब्ड है, माला ये वो कुछ ठीक से हो नहीं रहा है, और मतलब पूरा ऐसे कुछ जो काफी सारा जो हम लेक्चर में सुने हैं ये ऐसे लग रहा है कि वो ध्यान है बट वो कुछ पालन करने के लिए ऐसे प्रेरणा मिल नहीं रही है, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं तो वो काफी मदद हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं। एक तो हम ऐसे परेशान रहें, या दूसरा है कि आसपास जो भी हमारे पास सुविधा है परेशानी से बाहर निकलने के लिए उसको थोड़ा सा हम स्वीकारें। तो अपने आप आसपास देखिए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिल सकती है, या आपको किसी व्यक्ति से या ग्रंथ से आपको प्रेरणा मिल सकती है, देख लीजिए आप और कीजिए। ठीक है, दूसरा जो विकल्प है कि निराश हो जाना, उसमें किसी का लाभ नहीं है, प्रयास करने में ही लाभ है। प्रयास करने से शायद फल मिल जाए, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। प्रयास करते रहिए। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अगला प्रश्न गजानन प्रभु का है। गजानन प्रभु अपना माइक ऑन करके आप प्लीज प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने अभी पूछ लिया है, वो सेकंड वाला था, शायद मेरा हैंड ऊपर रह गया। ओके ओके, हाँ सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेस कर लीजिए। तब तक गूगल ड्राइव के प्रश्न यहाँ पे मैं लेता हूँ। तो मधुर चावरा माता जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द वेज ऑफ बिकमिंग स्मार्टर।
intelligence is that which helps you understand the difference between what is helpful and what can hurt you or what is not helpful. दूसरा प्रश्न क्या था? What are the ways of becoming smarter? By reading about how to make this distinction, by working on oneself to cultivate one's abilities to make these distinctions easier and easier for us to see and to practice, and by getting guidance or help in some form from those who are a little better than us in doing this, in making this distinction between what is helpful and what is not helpful. प्रश्न यह है कि बुद्धि क्या है और हम अपने आप को और बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं. तो उत्तर ऐसा है कि बुद्धि वह क्षमता है जिससे कि हम हमारे हित में जो चीज है और हमारे नुकसान में जो चीज है इसका भेद हम समझ जाए. और बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? अध्ययन करके कि कैसे हम अपनी इस क्षमता को और तीक्ष्ण कर सकते हैं, इस क्षमता को और कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, ये भेद करने की जो क्षमता है, अपने जीवन में मेहनत करके ताकि हम वैसे करने में और सक्षम हो जाएं और जो है हम दक्ष हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं इस भेद ऐसा भेद करने में, और ऐसे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करें या उनसे कोई मदद ले लें जो हमसे थोड़ा अच्छे हैं यह भेद करने में. एक बार यह भेद समझ में आ गया तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज में जो हमारे हित में. वंस वी हैव अंडरस्टूड द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज हेल्पफुल एंड व्हाट इज नॉट हेल्पफुल फॉर आवर लाइव्स, देन वी हैव टू वर्क हार्ड to accomplish all that is needed to establish the existence of that which is helpful in our life. ठीक है? Thank you, Mr. Prabhuji. अगला प्रश्न विकास नायक प्रभुजी का है. वो पूछ रहे हैं कि जो भगवत गीता में प्रकृति का वर्णन किया गया है वो प्रकृति का अर्थ क्या है और किस तरह से होती है? जो बहुत ही विशेष रूप से या बहुत ही प्रकांड रूप से, विशाल रूप से कार्य करे उसे प्रकृति कहते हैं. तो इस संसार में कार्य करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है, कुछ संसाधन की आवश्यकता पड़ती है. तो सारे जितने भी जीव हैं उनके सारे संसाधनों को एकत्र कर लिया जाए, उनके सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा कर लिया जाए और उससे अधिक मात्रा में जो कि आगे चलकर भी जरूरत पड़ सके ऐसे संसाधन जो हैं उसे प्रकृति कहा गया है. प्रकृति यह शक्ति है, भगवान शक्तिमान है. तो प्रकृति यह भगवान के शक्ति का स्वरूप है. अर्थात जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं कुछ कार्य संपन्न करने में वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, भगवान की शक्ति रूप में प्राप्त होती है, उसे प्रकृति कहते हैं. याद रखिए हमने पहले ही बताया प्रकृति अर्थात जो बहुत ही प्रकांड रूप से कार्य करे, मतलब ऐसी क्षमता कि हमारे अनगिनत जितने भी जीवात्मा है उनकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जो भी संसाधन लगेंगे वो प्रदान करने वाली प्रकृति है. ठीक है? धन्यवाद जी. अगला प्रश्न जो भी भक्त पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए. अब तक ड्राइव में जो प्रश्न आए हैं.
अक्षय जाधव जी पूछ रहे हैं कि शिष्य के किन कार्यों की वजह से गुरु निराश होते हैं और गुरु के प्रति की कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें? जो पूरी तरह से शांत होते हैं और आत्म साक्षात्कारी होते हैं, ऐसे गुरु शिष्य के किसी भी कार्य से निराश नहीं होते और किसी भी कार्य से जो है प्रोत्साहित नहीं होते, क्योंकि उनके प्रोत्साहन का कारण उनकी सेवा होती है भगवान के प्रति। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें चिंता नहीं होती है। चिंता करते हैं जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर उनका शिष्य है और अनायास भी अपने आप को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है, और यह चिंता उनकी जो है भगवत प्रेरणा से उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान भी चिंता करते हैं प्रत्येक जीव की। अगर कोई भी जीव अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो चिंता करते हैं। जो सद्गुरु होते हैं किसी भी चीज से ना तो हताश होते हैं, ना निराश होते हैं, और ना ही कोई भी प्रक्रिया जो है उनको भौतिक रूप से उकसा सकती है या उत्साहित करती है, क्योंकि वो शांत रहते हैं। और उनके शांत रहने का, शांत मतलब उदासीन रहते हैं, और उदासीन रहने का अर्थ ये कारण है क्योंकि भगवान की सेवा में पूरी तरह से मग्न रहते हैं। किंतु सिद्ध महात्माओं के पास ऐसी क्षमता होती है कि अंतर मन में या अंतर आत्मा में पूरी तरह से मग्न रहते हुए भी बाह्य चीजों से वो प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित का अर्थ है बाह्य चीजों का वो दर्शन कर सकते, लेकिन उसका प्रभाव, बाह्य चीजों का प्रभाव जो है उन पर पड़ता नहीं, क्योंकि वो शांत रहते हैं। गीता में भगवान इसका उदाहरण देते हैं कि समुद्र इतना विशाल होता है ना कि समुद्र जो है अपने गहराइयों में बिल्कुल शांत रहते हैं, भले ही ऊपर जो है जहाँ पर समुद्र जो है उसका ऊपरी हिस्सा जो है उसमें कितनी भी तूफान आ जाए, गहराइयों में बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि समुद्र की जो उसका उसकी व्यापकता इतनी होती है, इतना डीप होता है समुद्र, इतना गहरा होता है समुद्र। तो उसी प्रकार से जो सदगुरु होते हैं उनकी भावनाएं इतनी व्यापक होती हैं कि गहराइयों में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इसलिए अपने से बाहर कोई अवस्था होती है वह उसका दर्शन करते हैं, उसे देखते हैं, उसके विषय में उसकी उनकी चिंता भी होती है, किंतु गहराइयों में बिल्कुल वो शांत रहते हैं। उसका उनके शांत रहने का कारण है उनकी भक्ति, उनकी सेवा भाव, और उनके चिंता होने का कारण होता है भगवान की प्रेरणा। भगवान उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो चिंता व्यक्त करें जिससे कि जीव कल्याण हो। ठीक है, धन्यवाद। गुरु के प्रति कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करें? भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, गुरु महाराज जो है अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु आए हैं। गुरु भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है, प्रतिनिधि के रूप में देखिए आप भगवान। परमात्मा जो है वो एक व्यक्ति स्वरूप धारण करके गुरु रूप में हमारे समक्ष है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसे भी कहा गया है कि वास्तव में गुरु तो भगवान कृष्ण ही है। और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो साक्षात गुरुदेव हैं, और जो व्यक्ति गुरु होते हैं वह उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें अपनी कृपा देने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं ना नित्यानंद प्रभु को, इसलिए एक व्यक्ति रूप में वो प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इसलिए उस स्वरूप में हम गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान से अलग समझ कर नहीं करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त तो आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो हमें जो क्षमता मिली है कि हर चीज में भगवान का अस्तित्व देखें, कि भगवान हमें वायुमंडल दिए हुए हैं, भगवान जो हमें सौर्य मंडल दिए हुए हैं, भगवान जो हमें
जल दिए हुए हैं भगवान, जो हमें अन्न दिए हुए हैं भगवान, हमें मित्र दिए हुए हैं भगवान, जो है हमें प्राण शक्ति दिए हुए हैं, तो ये सब के लिए गुरु स्वरूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं उनको हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न ब्रज मन में माता जी का है। माता जी आप प्लीज माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मेरे तो दो क्वेश्चन है। पहला प्रभु जी, कोई ऐसा नाते संबंध है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज करते और दूसरों के काम नहीं आते, तो ऐसे रिश्ते में हम कैसे बचना चाहिए? तो क्या हम भी उनकी तरह बन जाएं कि अपने स्वार्थ के लिए देखें नाते वाले को? नहीं ना, अगर हम ये देख रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, अगर हम उन्हें वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे और हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर उदार दिल हो जाइए। आपके पास एक अधिक चपाती है तो उनको दे दीजिए, क्या परेशानी। अगर आपके पास अधिक है तो उन्हें दे दीजिए, क्योंकि वो उस समय आपसे मांगने आए हैं। कोई और अगर वो नहीं आए, कोई और मांगने आए, तो उन्हें दे दीजिए। अगर आपके पास कुछ है जो आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, जिससे कि ना तो उसको नुकसान हो और ना वो आपको नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, ओके प्रभु जी। और जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं हम, और हमारी प्रार्थना सक्सेस होती है, तो क्या उस साधक का अच्छी साधना भक्ति का वो ये का फल है क्या प्रभु जी? साधक का फल ये है कि वो साधना अच्छे से करे, प्रार्थना स्वीकारी गई है इस पर वो ध्यान ना दे, श्रद्धा रखे कि प्रार्थना करने से भगवान प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन इस पर विचार ना करे कि भगवान ने प्रार्थना सुन ली होगी या नहीं सुनी होगी, ऐसा विचार ना करे। साधक का काम होता है वो अपनी साधना करे। अगर आपकी साधना है कि आप प्रार्थना सुनी है कि नहीं सुनी है इस पर विचार करना है, ये आपकी साधना है, तो फिर कीजिए। साधना क्या है आपकी, वह साधना कीजिए, तब आप साधक हो। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न सुष्मिता माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए हैं, वो 6 ऐश्वर्य क्या हैं? भगवद गीता के तात्पर्य में बताया गया। ठीक है, तो कृष्ण अगर वो फिर से पूछ लें तो अच्छी बात है। हाँ, वो यही कह रहे तात्पर्य में जो 6 ऐश्वर्य बताए हैं। यही प्रश्न है। हाँ, उन्होंने बोला अभी तात्पर्य के 6 ऐश्वर्य। तो तात्पर्य में कहा गया है कि पराशर संहिता या फिर महाभारत में भी उल्लेख आता है जो भीष्म पर्व है वहां पर, कि भगवान 6 ऐश्वर्यवान है, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। 6 प्रकार के भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, उनमें प्रचंड बल है, मतलब 100% बल है। भगवान का यश जो है 100% है, भगवान की बुद्धि ज्ञान जो है 100% है। फिर भगवान के पास धन अपार मात्रा में, और बल हो गया, यश हो गया, और सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य जो है वो 100% 100% है, सबसे सुंदर व्यक्ति। और वैराग्य, भगवान का वैराग्य जो है वो परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से ज्ञान, यश, बल, सौंदर्य, धन और वैराग्य,
इसमें भगवान परिपूर्ण है, तो ये सारा भग जो है उनके पास है, ऐश्वर्य उनके पास है, इसलिए वो भगवान शब्द से संबोधित किए जाते हैं। ठीक है, इसको भी पोस्ट कर देना दुश्मनी को। यस हरे कृष्ण। सुष्मिता माता जी, आप कुछ अभिप्राय देना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण, अगला प्रश्न राजेश गुप्ता प्रभु जी का है। वो पूछ रहे कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मेहनत जो व्यक्ति करता है ना, अपने कर्म पर ध्यान देता है और उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेता है जो उसके कर्म करने में, अपना कर्तव्य करने में, अपना कर्म करने में जो है उसे थोड़ा और प्रेरणा दे सके, तो फिर उसे किसी के चिंता नहीं करनी पड़ती। जैसा हमने कहा, मन लगाकर व्यक्ति अगर कर्म करता है, अपना कर्तव्य पालन करता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे सफलता ही मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, किंतु वो सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। लेकिन जो व्यक्ति खाली सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, उसके मन में सीखने के लिए कुछ नहीं होता है लोभ के अलावा, लोभी बन जाता है व्यक्ति। तो कर्म में मन लगाइए, मेहनत करने में मन लगाइए, ऐसे लोगों से मार्गदर्शन लीजिए जो आपको प्रेरणा दे सके या आपको जो है पॉजिटिवली एनकरेज कर सके, ऐसे लोगों से जो है मार्गदर्शन लीजिए और अपना कर्म जो है पूरा मन लगा कर कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब आप अच्छे से मन लगाकर कर्म करते हो तो उसका फल आपके लिए लाभदायी होता है, लाभ उससे मिलता है और आप उससे बहुत कुछ सीखते हो। मन जो है उसमें यही भावना आती है कि हमने अभी कुछ नया सीखा है तो और अच्छे से कर्तव्य करना चाहिए। और जहाँ पर व्यक्ति इस बात पर चिंता करता है कि सफलता मिलेगी कि असफल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, वहां पर वो कुछ सीखता नहीं, उसके मन में लोभ लालच आ जाता है, उसके मन में लोक प्रतिष्ठा आ जाती है कि लोग जो है हमारी प्रशंसा करें, तो फिर वो उसका समय जो है इन चीजों में व्यर्थ चला जाता है, उसके ही समय का नुकसान होता है। गीता में भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम ये बाकी सारी चीजें जो है मन से निकालो और अपना कर्तव्य पालन करो, फल क्या होगा उस पर ध्यान मत दो, कर्तव्य का पालन ऐसा करो कि फल अच्छा होगा। तो कर्तव्य पर ध्यान दो, फल पर ध्यान मत दो। ऐसे नहीं कि कर्म करते जाओ और नुकसान भी हो जाएगा तो चलेगा, ऐसे नहीं। सफल होने के लिए ही प्रयास करो, प्रयास पर ध्यान दो, सफलता या असफलता पर ध्यान मत दो। पूरे मन से कर्म करना चाहिए, पूरा अपना जितनी क्षमता है पूरी क्षमता लगाकर हमें अपना कर्म करना चाहिए और उसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान हमारा ही है, हमारे समय का नुकसान। वो उदाहरण नहीं देते अर्जुन जी जो है, कहा जाता है ना कि आप तीर चलाइए आंख में लगना चाहिए, तो अर्जुन जी ये नहीं विचार कर रहे थे कि सफल होंगे कि असफल होंगे, बस यही ध्यान कर रहे थे कि इस प्रकार से हम तीर चलाएं कि सीधे जाकर आंख में ही लगे, और फिर बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या हमारा तीर जो है अगर पंख पर लगेगा तो वो भी ठीक रहेगा क्या गुरुजी, या हमारा तीर जो है पैरों में लग जाएगा तो वो भी ठीक रहेगा गुरुजी, ऐसा नहीं पूछ रहे थे। और ना ये ध्यान दे रहे थे कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि अरे क्या मारेगा इसका बाण जो है ना, तीर जो है सीधा कहीं आसमान में उड़ जाएगा, इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जो कर्म करना चाहते हैं उनके लिए अक्सर हमें अर्जुन जी का उदाहरण दिया जाता है, कैसे ध्यान पूर्वक कर्म करना चाहिए, पूरा मन लगा के कर्म करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है कि हम भगवान की लीलाओं में कैसे प्रवेश पा सकेंगे। साधना करने से व्यक्ति अपना जो भी इष्ट सिद्धि है उसे प्राप्त, इष्ट सिद्धि का अर्थ होता है जो अभिलाषा वो रखता है उसे प्राप्त करता है।
तो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट होना चाहते हैं उसके लिए जो साधना योग्य साधना वो कीजिए। शास्त्र में नवधा भक्ति की प्रणाली दी गई है, श्रवण कीर्तन श्रवण इत्यादि। ठीक है yes, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। और किसी कोई हैंड रेस भी नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी ने प्रश्न पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद जी का आपका स्पेशली, आपने सबके उत्तर दिए। तो अंत में कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स ऐसी है कि आप सभी लोग जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो आप फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन पे इस्कॉन औरंगाबाद ऑफिशियल इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे डेली भागवतम क्लासेस और जो इस्कॉन की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और श्रीमान रोहिणी प्रिया प्रभु जी को भी आप फॉलो कर सकते हैं उनके फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे, उसका उनका हैंडल है रोहिणी प्रिया दास, जहाँ पे आपको उनके डेली भागवतम क्लासेस या फिर जो भी फॉरन में वो जहाँ क्लास दे रहे हैं लाइव क्लास उसके आप घर बैठे आप लाभ उठा सकते हैं। और जो कोर्ट्स है उनके शॉर्ट क्लिप्स है वीडियोस की वो उनका भी आप लाभ यहाँ ले सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। और अन्य किसी भी सहायता के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर है 8087032032। और आपको केवल इतना करना है, इस व्हाट्सएप में नंबर पे आपका मैसेज कुछ भी मैसेज भेजना है, आपको एक लिंक आएगी ग्रुप की, लिंक को टच करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। और जो इस्कॉन औरंगाबाद के जितनी भी गतिविधियाँ हैं जो भागवतम क्लासेस हैं सबके नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे, और जो गीता के श्लोक हैं डेली एक एक वो आपको यहाँ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम अभी अगले महीने मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।